समाज सेवी अजय कुमार जनस्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के लिए पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अजय कुमार की इस मुहिम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनका भरपूर सहयोग किया है। साथ ही अजय कुमार की मांग है कि प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार मिले। हिसाब आता है तो 2500 साल करीब करीब दोनों के जन्म के बीच में अंतर है। तो भगवान बुद्ध एक राज परिवार से थे और राज परिवार में राजसत्ता को छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकले। बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और एक शांति का संदेश उन्होंने फैलाया और उसी का परिणाम है कि बौद्ध धर्म का विस्तार कई सारे विदेशों में भी हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी एक सामान्य परिवार से होकर के सत्य की खोज के लिए बाहर गए, उन्होंने तपस्या की और अब फिर बाद में एक राजनीति के माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तो शांति के क्षेत्र में, मैं शांति के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 2500 साल के बाद हमें लगता है कि पूरा इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और एक शांति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ये हमारा निजी विचार है, ये हमारा इंट्यूशन है, हमारी ऐसी मन की ऐसी भावना है। जिस तरह से परिस्थितियों को मैं देख रहा हूँ उसमें ऐसा लगता है कि नोबेल का शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। मैंने उनको बताया कि चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी